मदरका संग्राम सिर्फ 75.in पर। देश और प्रदेश में हुकूमत करने वाली भाजपा ने बाराबंकी में जिस चेयरमैन प्रत्याशी को टिकट दिया है उसके पति ने यहां से रामराज की स्थापना करनी शुरू कर दी है। और ये रामराज कैसे आएगा उसके लिए पहले आपको ये बयान सुनना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी की सरकार नहीं है। यहाँ पर तुम जाकर के डीएमएसपी से अपना काम नहीं करा सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा कोई नेता तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। सड़क खरंजा नाली नगर पालिका का काम है। दूसरी भी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ सकती हैं। आज तुम्हारा कोई पैरोकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। अगर हमारे सभासदों को तुमने बगैर भेदभाव के चुनाव नहीं जिताया, अगर रंजीत बहादुर की पत्नी को तुमने वोट देकर के चुनाव नहीं जिताया, तो ये दूरी जो तुम बनाने जा रहे हो, अब अगर ये दूरी बनेगी तो तुमको समाजवादी पार्टी बचाने नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी का शासन काल है। जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट दे लेना भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे उसका अंदाजा तुमको स्वतः लग जाएगा। देख लिया आप लोगों ने, ऐसे स्थापित करेगी बीजेपी रामराज को। यह है भाजपा सरकार में लोकतंत्र की स्थिति, जिसमें अब धमका और फौफ दिखाकर वोट मांगा जा रहा है। इस बयान के बाद से बाराबंकी में तमाम लोगों के साथ वरिष्ठ पत्रकार रिजवान मुस्तफा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री सहित एसपी डीएम से की है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफिया पर्वत के लोग हैं वो बाराबंकी में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ने इसमें सख्ती न किया तो मुझको लगता है कि जिले में कोई सांप्रदायिक घटना कराने के लिए ये लोग पूरी तौर से लगे हैं। जिस तरीके से कल बीजेपी के लोगों ने यहाँ के चेयरमैन ने भाषणबाजी किया है, उससे ये देवा महादेवा की धरती पर पूरी तौर से लगे हैं कि यहाँ का माहौल सांप्रदायिकता फैलाई जाए। एक आदमी जिसकी आदत है पार्टी की, वहाँ दो दो मंत्री मौजूद थे, जब ये बोलने हैं तो दो मंत्री मौजूद थे, उनको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि बहरहाल जो कुछ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के ये लोग शपथ लेते हैं, मिनिस्ट्री की भी लेते हैं और विधायकी की भी लेते हैं, और उसके बाद ऐसी बात कर रहे हैं। इसमें मुझे और कुछ नहीं कहना, वैसे अल्लाह उनको अकल दे और उनको तमीज से बात करनी। अब जरा कोतवाली में टंगी इस सूची को भी देख लीजिए। ये सूची दुराचारियों की है और इस सूची में भाजपा के चेयरमैन पद के उम्मीदवार शशि श्रीवास्तव की पत्नी लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का नाम दर्ज है। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसे में चार चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भाजपा में कैसे लोग घुस गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऐसे ही बीजेपी सबका साथ सबका विकास करेगी? क्या यह तानाशाही नहीं है? या फिर ऐसे लोग भाजपा में घुसकर भाजपा को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं? न्यूज डेस्क न्यूज 75.in।